को। जनाब मैं हूँ इस वक्त दोहा के एयरपोर्ट पे, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि हम, यानी मैं, मेरी बहन, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम तीनों का इरादा हुआ इराक़ के ज़्यारतों पे जाने का। तो जनाब अब ये सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हम दोहा के एयरपोर्ट पे ट्रांसिट में हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो शाम में है, तकरीबन 7:15 बजे। इस वक्त यहाँ पे लोकल टाइम हो रहा है 12:30। तो ये थोड़ा सा अभी तरह हम आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो है लाउंज है, वेटिंग एरिया है। ये देख सकते हैं आप सारे पीछे मुसाफिर जो है वो इंतज़ार में है कि उनकी जो भी रेलेवेंट फ़्लाइट्स हैं वो उन्हें मिलें, वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलें। नाज़रीन आपको एक बात ये बतानी है कि आजकल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो गई है। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, प्लीज़ अपनी एयरलाइन से ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जहाँ भी, जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं, वहाँ की जो भी गाइडलाइंस हैं वो ज़रूर चेक करें, वरना मसले हो सकते हैं। मेरे साथ भी एक मसला हुआ था, वो तो खैर बिल्कुल टाइमली डिसीजन लेने के बाद वो मसला हल हो गया, तय हो गया, लेकिन प्लीज़ लोकल रूल्स जो हैं उनके हवाले से आपको अपडेट होना चाहिए। तो ये फ़िलहाल का एक पैनोरामिक व्यू है, आगे बढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ से, यानी हमाद एयरपोर्ट से, फ़िलहाल थोड़ा सा इस लाउंज से मैं आपको नज़ारा दिखाते हुए साइन ऑफ करती हूँ और फिर कनेक्ट करते हैं जी। चलें जी, आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं एयरपोर्ट की, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में तो बहुत टाइम है, जैसे मैंने भी आपको बताया था। तो ज़रा घूमते फिरते हैं। सारे पैसेंजर्स जो हैं, दे आर ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स टू डिपार्ट, जो जो जिसकी डेस्टिनेशन है। अच्छा, एयरपोर्ट बड़ा ख़ूबसूरत एक मंज़र होता है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन तो नहीं, लेकिन चलें थोड़ा सलाम दुआ, कोई हंसी, स्माइल एक्सचेंज। तो मेरा ख़्याल है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म, तो खैर क्या कहेंगे, ज़ाहिर है मुख्तसर सा वक्त होता है सबके पास, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा चले, थोड़ा सा आगे चलते हैं, वरना ये वॉक थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा शॉप्स की सर्वे कराते हैं। अभी ये वाला क्लिप यहाँ पे बंद करती हूँ, आगे जाके कैमरा ऑन करूँगी। हाँ जी, तो जनाब ये एम्पोरियम्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स। दिस इज़ सैमसोनाइट, उसके पीछे वो वहाँ पे बॉस नज़र आ रहा है आपको। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड ऑब्वियसली, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स का एक क्या कहते हैं, एक और आउटलेट या एक और डिस्प्ले, जहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सैमसंग और भी बहुत सारी चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये भी डिफरेंट आउटलेट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं जनाबे अली। अच्छा, मज़े की बात यह है, एयरपोर्ट कोई भी हो सब जल्दी में होता है। मुझे नहीं पता कि एयरपोर्ट्स का टर्नओवर कितना है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जी एक बाया शॉप है, ज़ाहिर है कतर है, दोहा, तो अबाया तो होना चाहिए ना अरब वर्ल्ड में। ज़ाहिर है कि ट्रेडिशनली अबाया पहना जाता है, सिर्फ अरब वर्ल्ड में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रांडेड अबायास की प्रोविज़न है। और
ये भी एक फैशन स्टेटमेंट ही है आजकल तो, द वे यू वेयर इट, कलर चॉइसेस, दिस एंड दैट, डिफरेंट स्टाइल्स, इंटरेस्टिंग राइट। चलिए जी, ये तो सन ग्लासेस आप देख सकते हैं और डिफरेंट ब्रांड्स हैं इसके, इन इन इस इसमें आउटलेट में रेबैन भी है और डियोर भी है, गुची भी है, प्राडा भी है। सुन इंटरेस्टिंग जरा छवैये लॉन्ग चैम्प, दिस इज़ अ पर्स शॉप। चलिए जरा अंदर चलते हैं ना, देखते हैं कि क्या क्या ब्रांड्स हैं आजकल फैशन में या क्या क्या स्टाइल्स हैं फैशन में। और मैं कीमत तो बिल्कुल देखने की जहमत ही नहीं करूँगी ना, क्योंकि उसके बाद तो चीखें निकलेंगी। अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग है, $97। ओके चल, नॉट बैड। अच्छा जनाब, गेट अनाउंस हो गया हमारा C22, और ये जो सिलसिला थोड़ा सा टूट गया था ना शॉप्स वाला, तो जनाब ये शॉप्स हम आपको दिखाते हुए जा रहे और बढ़ते जा रहे अपनी डेस्टिनेशन, इन द सेंस के अपने गेट की तरफ। एट लास्ट अनाउंस हो गया, 7:15 बजे डिपार्चर है। इस वक्त लोकल टाइम हुआ है 5:30 हो गया। जनाब हम चलते जा रहे हैं। अच्छा मैंने मैस्कॉट दिखाना था आपको, वो ये गोल्ड शॉप है। अभी गोल्ड शॉप का थोड़ा सा फोकस में लाती हूँ आपको बताइए। ये ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, फिल्मिंग दी एयरपोर्ट, क्योंकि सिक्योरिटी वालों को एतराज़ होता है। बहरहाल सी की तरफ जा रहे हैं और ये जी आ गया मैस्कॉट दोहा एयरपोर्ट पे। करीब जाएंगे देखेंगे। अच्छा इस पे एक अजीब गोला सा बनाया हुआ है उन्होंने लाइट का, उसकी क्या रीज़न है, उसका क्या कॉज है, ये तो इनसे ही पूछे। अच्छा भाई मैं चलती जा रही हूँ ना, इसके थोड़ा सा कैमरे में जर्क फील हो रहा होगा, कांट हेल्प इट, मेरे पास स्टडी कैम तो नहीं है। जनाब ये मैस्कॉट है ज़बरदस्त किस्म का, और यहाँ पे लोग तस्वीरें वस्वीरें खींच पाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। तो जनाब ये आपको ओवरऑल दिखा रहे हैं इस वक्त हम अंदर लाउंज, ट्रांजिट लाउंज का मंजर। जनाब इसी तरह इन्होंने ABCDE विंग्स बनाए हुए और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, ज़बरदस्त किस्म का। इस वक्त ज़रा गहमा गहमी है, दिन में जब हम आए थे तो इतनी गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि खासी फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रांजिट कर रही हैं। तो वी चलें अब आगे बढ़ते हैं। मैस्कॉट आपने देख लिया, बस अब हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की काफ़ी पब्लिसिटी हो गई है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। और अब हम हाँ जी, ये ज़रा टारमैक का थोड़ा सा मंजर है, आपको प्लेन्स खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। सर फोकस इतना अच्छा नहीं आएगा, आई थिंक नाउ इट्स बेटर। जी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, और जो हसल बसल होती है, ज़ाहिर मूवमेंट लोगों की, ये सब कुछ चल रहा है। हम भी इंतज़ार में हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, अभी अनाउंसमेंट लाइक डिपार्चर टाइम का अनाउंसमेंट बाकी है, तो बस वेट कर रहे हैं जी। बस ये है फ़िलहाल।